प्यारे विद्यार्थियों, मैं तुहाडी पंजाबी दी अध्यापका परमजीत कौर अज तुहानू पाठ दो मोती कहानी बारे पढ़ावांगे। बच्चो, इस कहानी विच कहानीकार प्रिंसीपल सुजान सिंह ने अपने ते मोती दे प्यार बारे दस्या है कि मोती नां दा कुत्ता किवें उन्हां दे घर विच परिवारक मैंबरां वांग रहिंदा सी। मोती पिस्ती नसल दा प्यारा जिहा कुत्ता सी जो कि बड़ा ही वफादार कुत्ता सी। एक बार कहानीकार अपने पिता जी नाल उस दे बंगाली मित्र परशोत्तम बाबू दे घर मिलन गए। उत्थे उन्हां नूं मोती नां दा कुत्ता मिलिया जिस नाल कहानीकार काफी समा खेड़दा रहा। वापस तुरन लगे कहानीकार उदास हो गया क्योंकि वह कुत्ते नूं अपने नाल लेके जाना चाहुंदा सी। परशोत्तम बाबू ने उस दी उदासी दा कारण पुछया ते मोती नूं सद के उस दे गल विच पाए पटे विच संगली पा के संगली कहानीकार दे हथ फड़ा दित्ती। इस ते मोती हैरान होया कि दो घड़ी भाव थोड़े समय दी प्रीत बदले उम्र भर दी कैद। मोती उदास सी ते उसकी मां पप्पी भी उदासी नाल उस वल वेख रही सी। उन्हां दे घर पहुंचण ते कहानीकार दी मां ने कुत्ते नूं देख के नाराजगी प्रगटाई क्योंकि ओ कुत्त्यां नूं बहुत ज्यादा प्यार नहीं सी करदी। ओ ए समझदी सी कि उस दे पति दे बीमार होण दा कारण ही कोई कुत्ता है। मोती भी घर जा के अफसोसिया रहा। वो कुछ खांदा पींदा नहीं सी। एक दिन कहानीकार दे पिता जी वालों प्यार करन ते उसने कुछ दुध पी लिया ते फिर कहानीकार नाल खेडन लग पिया। हौली हौली वो घर विच इस तरह रच मिच गया कि वो उन्हां दे परिवार दा ही मैंबर होवे। जदों कदे वो कहानीकार दे स्कूल जाण समय खुला हुंदा तां वो दब्बे पैरी भाव हौली हौली उसे मगर तुर पैंदा। कहानीकार नूं जमात दे कमरे विच दाखल होण समय ही पता लगदा। उसे जमात दे विद्यार्थी उस नूं देख के बहुत खुश हुंदे ते उसे नाल खेड़दे। एक दिन मास्टर जी नूं उस बारे पता लग गया। वह रूल लैके उस नूं मारन दौड़े परंतु अगों मोती ने उन्हां वल वेख के एक घुरकी सुनाई ते वह कहानीकार दे बेंच दे हेठां वड़ गया। मास्टर जी दे पुछण ते कहानीकार ने दस्या कि इह कुत्ता उसदा है। मास्टर जी ने कहानीकार नूं कुत्ता घर छड के आउण लई कहा। जदों कहानीकार वापस पहुंचा तां मास्टर जी ने उस नूं चपेड़ा मारिया। इस ते कहानीकार नूं बहुत अफसोस होया ते इस दे नाल नाल मोती नूं भी बहुत अफसोस होया। मोती दे गुण। मोती विच बहुत सारे गुण सन जिवें कि वफादार, घर दा विश्वासी, आग्याकार, मददगार, चकन्ना, प्यारा जिहा, सभना नाल मोह करन वाला। मोती विच इह गुण उस दे जिंदगी दे आखरी पल तक रहे। ओह दूर सुट्टी चीज नूं चुक लिआउंदा, सिट डाउन कहण ते उत्ते दोवें अगले पंजे चुक के कंगारू वांग बैठ जांदा सी ते हनेरियां रातां विच सोटे नाल लमकाईआं दो निक्कियां लालटेनां चुक के उसे पिता जी दे जंगली रस्तिआं विच चानण वी करदा सी। एक वार तां उसने कहानीकार दे पिता जी दी उसे पैरां विचकार गुच्छी मार के बैठे करुंडीओ तों उसदी जान वी बचाई सी।